तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। तो गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। हाँ गाइस, मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है। मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो चुका है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, कुछ हफ्ते पहले मेरा जो चैनल है वो अभी अभी नया नया जो है वो मोनेटाइज हुआ था। तो गाइस, कैसे जो मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज हुआ, सारा सब कुछ मैं आप लोग को इसी वीडियो पे आप लोग को बताऊंगा। तो और अगर कौन सी वो गलती है जो मैंने किया है और आप लोगों को वो बिल्कुल नहीं करना है, तो ऐसा कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है जो मैंने किया है, इसी वजह से मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हुआ है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिए, आप लोग को सब कुछ पता चलेगा पहले से अंत तक। तो गाइस, चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल कुछ हफ्ते पहले ही जो नया नया मोनेटाइज हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता था, मैंने उसके लिए एक वीडियो भी आप लोगों के लिए शेयर किया था, अपलोड किया था अपने चैनल पे। तो गाइस, मैंने 4 साल काफ़ी मेहनत करने के बाद मेरा जो चैनल है उसको कुछ ना कुछ करके मैंने काफ़ी मेहनत करके मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए बेच दिया था। और गाइस, बेचने के बाद मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज भी हो चुका था गाइस। लेकिन गाइस, इसके बाद मोनेटाइजेशन होने के बाद मैंने अपने चैनल पे कुछ ऐसा गलती कर दिया जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो रीयूज कंटेंट की वजह से मेरा चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो गया था, वो जो रिजेक्ट हो गया था जो चैनल का जो मोनेटाइजेशन है। तो गाइस, ऐसी कौन सी गलती है जो मैंने की है, और अगर आप लोग मैंने जो गलती की अगर आप लोग वो करेंगे तो शायद आप लोगों का भी जो मोनेटाइजेशन है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाए। तो गाइस, ऐसे जो अभी मैं आज मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, प्लीज़ आप लोग ये जो गलती है प्लीज़ अपने चैनल पे ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी चैनल जो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करके बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया है जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया था। तो गाइस, मेरा क्या हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने काफ़ी साल मेहनत करने के बाद मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो कंप्लीट कर लिया था, उसको एक्टिव कर लिया था मोनेटाइजेशन। तो गाइस, इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ, तो गाइस इसके बाद मैंने गाइस पता नहीं क्यों मैंने ऐसे किया, लेकिन मेरे जो इस चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, मेरे इस चैनल पे मैंने मोनेटाइजेशन होने के बाद जो दूसरे का एक आप लोगों ने देखा होगा एक म्यूज़िक वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर उसको अपलोड कर दिया था गाइस। तो वो जब अपलोड किया तो उसके तो गाइस उससे मुझे काफ़ी व्यूज़ भी मिल चुके थे, काफ़ी सब्सक्राइबर भी मिल चुके थे। तो गाइस, मैंने जब उसको अपलोड किया तो मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो उसको जब मैंने अपलोड किया तो उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो मैंने सोचा अच्छा छोड़ो, वो अच्छा चल रहा है तो उसको चलने दो, और काफ़ी व्यूज़ भी आ गया था उस पर। तो गाइस, ऐसे ही कुछ दिन गया मेरा, 5-6 दिन 10 दिन ऐसा गया। तो गाइस, इसके जो मोनेटाइजेशन होने के बाद वो वीडियो अपलोड करने के 10 दिन बाद गाइस मेरे चैनल पर जो है रियूज कंटेंट के इशू के वजह से मेरे मेल पे एक जीमेल पे एक मेल आया था। तो गाइस, मेरा जीमेल पे एक मेल आया था कि जो उस म्यूज़िक वीडियो का जो कॉपीराइट ओनर है उसने मेरे चैनल पे क्लेम किया है। तो गाइस, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, तो पढ़ के देखा कि वो जो कॉपीराइट ओनर है उसने मेरे चैनल पे क्लेम किया है उस वीडियो के वजह से। तो गाइस, मैं उसको ठीक भी कर सकता था, लेकिन गाइस अगर मैं उस म्यूज़िक वीडियो जो है उसका सॉन्ग भी अलग कर सकता था, उसका जो कॉपीराइट सॉन्ग है उसको हटा सकता था, लेकिन गाइस अगर मैं उसका सॉन्ग ही हटा देता तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो म्यूज़िक वीडियो का वही सॉन्ग था, अगर मैं उसको हटा देता तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो गाइस, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तो गाइस, इसके बाद मैंने सोचा वो कॉपीराइट क्लेम दिया तो इससे मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो मैंने गाइस उस वीडियो को थोड़ी देर रहने दिया। तो इसके बाद मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो को डिलीट ही कर दूं। तो गाइस, मैंने जैसे ही उस वीडियो को डिलीट किया, तो गाइस डिलीट करने के कुछ ही देर बाद मैंने अपने जो YT स्टूडियो है उस पर जाके मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाके देखा। तो गाइस, मैंने उधर जाके देखा कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो गया था, मेरा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया था। तो गाइस, ये देख के मैं बहुत ही दुखी हो गया था गाइस, मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत साल मेहनत करके अपने चैनल को थोड़ा ऊपर ग्रो किया था, थोड़ा ऊपर लाया था अपने चैनल को, और गाइस एक छोटी सी गलती की वजह से गाइस मेरा जो चैनल है वो परमानेंटली तो नहीं हुआ गाइस, लेकिन मेरा चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया था। और गाइस, उसी म्यूज़िक वीडियो से मुझे थोड़ा बहुत जो वॉच टाइम है वो भी आ रहा था।
तो गाइस अभी जो मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है। तो गाइस मुझे बहुत दुख हुआ। और गाइस ये जो गलती है ये आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा गलती करते हो तो आपका चैनल भी डीमोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि वो जो मैंने म्यूजिक वीडियो लिया था वो रील्स कंटेंट में ही आता है। तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस इसी के वजह से मेरा चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया है। तो गाइस चैनल डीमोनेटाइजेशन होने के बाद उसका जो मेरा जो मैंने क्या किया, मैंने उसका जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया था। तो डिलीट करने की वजह से मेरा चैनल का जो वॉच टाइम है 4000 घंटे से नीचे हो गया है। तो गैस और मैंने अपना कुछ और भी खुद का जो ब्लॉग वीडियो है वो भी कुछ डिलीट किया था। तो उसकी वजह से मेरा जो चैनल का वॉच टाइम है वो घट गया था, वो डाउन हो गया था। तो गैस इसके बाद उधर क्या होता है, उधर अगर आपका चैनल रिव्यूज कंटेंट की वजह से डिमोनेटाइज हो जाता है तो आपको उधर अपील करने का एक ऑप्शन आता है कि आप उसको अपील कर सकते हो। एक वीडियो के थ्रू वीडियो बना के आप उनको बता सकते हो, अगर आपके चैनल पे कोई रिव्यूज कंटेंट नहीं है, अगर आपने किसी का जो वीडियो है वो कॉपी नहीं किया है, तो आप कुछ अपील कर सकते हो कि मेरा चैनल 100% श्योर है, खुद का कंटेंट है, ऐसा करके आप अपील कर सकते हो। लेकिन गैस मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद अपील किया, वो सारा वीडियो डिलीट करके मैंने अपील भी किया, लेकिन गैस उससे कुछ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा चैनल जो अपील वीडियो से भी उधर से भी रिजेक्ट हो गया था। तो गाइस अभी इसके नीचे और एक ऑप्शन आप लोग को मिलता है रीअप्लाई का। तो गाइस रीअप्लाई जो है वो आपको 30 डेज, आफ्टर 30 डेज आपको रीअप्लाई करने का मौका मिलता है। तो गाइस इसके बाद आप फिर रीअप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं 30 डेज के बाद कर देता, लेकिन मेरा जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे से घट गया है। तो गाइस मुझे फिर से अभी जो वो वीडियो बना के उधर से वॉच टाइम लाना पड़ेगा, वॉच टाइम ग्रो करना पड़ेगा। इसके बाद ही मेरा जो चैनल है वो फिर से मैं रीअप्लाई कर पाऊंगा। तो बस यही था आज का वीडियो। जो मैंने गलती किया है वो आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो सकता है। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।